हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस और एम्स बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में। जिन कैंडिडेट्स ने एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए और एम्स बीएससी पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी मैं लेकर आया हूँ। क्योंकि जो सभी का रिजेक्शन दिखा रहा था कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं, आपको मतलब उसमें रिजेक्ट हो गया, इसको दोबारा से सिटी चॉइस करने के लिए आपको ऑप्शन दिया गया था, लेकिन आपकी नहीं हुई थी। ये बात मैंने बोली थी कि 10-12 तारीख तक आपका अपडेट हो जाएगा, लेकिन 12 नहीं, आज 13-14 तारीख को मैंने आज दोबारा से चेक किया किसी स्टूडेंट्स का, तो उसका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है। दोस्तों, बड़ी अपडेट है। आप सभी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, आप सभी ने उम्मीद छोड़ दी थी कि आपका एग्जाम होगा या नहीं होगा, सबने ये उम्मीद छोड़ दी थी। किस प्रकार का नोटिफिकेशन है, किस प्रकार का मैसेज आपको पहले देखने को मिल रहा था, वो मैं आपको दिखाता हूं। पहले आपने पहले चेक किया होगा तो इस प्रकार आपको देखने को मिल रहा था, योर रजिस्ट्रेशन इज रिजेक्ट ड्यू टू यू आर अलाउड टू फिल द एग्जामिनेशन सीटीच, दस यू आर देयर फॉर एडवाइस टू लॉग इन विद क्रेडेंशियल एंड कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 7/12/21, यानी कि 7 दिसंबर 2021 तक आपको अपनी डिटेल अपडेट करनी थी, अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करना था, ये सब चीज़ें आपके लिए दी गई थी। और मतलब 8 तारीख को 9 तारीख तक यही चीज़ दिखाई दे रही थी, 8-9 तक, 8 या 9 को भी यही चीज़ देखने को मिल रही थी। इसका कोई भी अपडेट नहीं हुआ था, सभी स्टूडेंट्स के साथ ये दिक्कत आई थी सिटी चेंज करने में। लेकिन दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि अब आपको, अगर आप चेक करते हो तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि अगर आपके सभी डन है, ये चीज़ें इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपको दिखाया था, ये स्क्रीनशॉट जो है इसमें दिखाया था कि जिस अगर सारी चीजें आपके डन है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, ये बात मैं पहले आपको बता चुका था। और अब आपको मैं बता दूं, आज भी आप देख सकते हो, यहां आप ये चीज लिखी देख रहे हो, मतलब योर एप्लीकेशन फॉर्म इज एक्सेप्टेड, यानी कि आज मैंने ये चेक किया था और आज ही जैसे मेरे को पता लगा, मैंने सोचा कि आप सभी को जानकारी देना जरूरी है। तो आप जाइए और अभी अपने एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, वहां जाकर अपने आईडी पासवर्ड डालकर जल्दी से चेक करिए कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है, जिन्होंने सही कर दिया था, घबराने वाली बात नहीं है। अब अपनी तैयारी पर जोर दीजिए, जितना हो सके उतना ज्यादा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और सिलेक्शन ले लीजिए इस बार एम्स में। आप सभी के लिए एम्स में सीटें और बढ़ा दी गई है, नई 2 कॉलेज जुड़े गए हैं, एम्स बठिंडा और कल्याणी जो एम्स है उनको जोड़ा गया, उनकी सीटों के बारे में कल मैं डिस्कस करने वाला हूं, आपको कल सुबह वीडियो मिल जाएगा सीटों के बारे में। तो दोस्तों, आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ऑन कर लीजिए, और अगर आप आरएचएस बीएससी नर्सिंग और एम्स बीएससी नर्सिंग मेडिकल किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो हमारे मॉडल पेपर हिंदी और इंग्लिश में मिल रहे हैं आपको, जो बहुत हेल्पफुल रहने वाले, तो आप उनको भी परचेज कर सकते हो। दोनों ही लैंग्वेज में आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश, चाहे आप एम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो, आरएचएस की करो, किसी की भी करो, बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल आपको 120 रुपए में मिलने वाला है। कैसे परचेज करना है उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, जाकर देख लीजिए। हेलो बच्चों, अगर आपको इंग्लिश बोलने में हिचकिचाहट होती है, अपने इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी करनी है और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो, तो आप सबके लिए एक गुड न्यूज, डाउटनेट ऐप लाया है आप सबके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जहां इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको एकदम बेसिक से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी हिंदी भाषा में, यानी अब आप हमें से हर बच्चा अंग्रेजी बोल सकता है। और साथ ही इस कोर्स के अंत में आप सबको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, तो अभी जाइए और डाउटनेट ऐप पर यह कोर्स खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। पूरे भारत में सबसे बढ़िया दाम और इतना टॉप क्वालिटी का कोर्स सिर्फ डाउटनेट पर मिलेगा, कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, धन्यवाद, टेक केयर।